राम राम जी सभी को। मैं संदीप रूहल VLDA पशुपालन विभाग हरियाणा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल लाइव स्टॉक एडवाइजर पे। दोस्तों, डेयरी लोन के रिगार्डिंग आप लोगों की तरफ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से सरल पोर्टल और नाबार्ड में जो है सब्सिडी का बजट ना होने के कारण आवेदन नहीं हो पा रहे थे। तो दोस्तों, आज आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर के आए हैं जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि नाबार्ड या फिर सरल पोर्टल के अलावा आप कहां से डेयरी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं केंद्र सरकार की मुद्रा योजना के बारे में। केंद्र सरकार की यह बहुत अच्छी स्कीम है दोस्तों। इससे आपको अपने छोटे बिजनेस इस्टेब्लिश करने में या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने में काफ़ी मदद मिल सकती है। 8 अप्रैल 2015 को ये योजना शुरू हुई थी दोस्तों, और लगभग 28 करोड़ से ज़्यादा लोग इस योजना का अभी तक लाभ ले चुके हैं। तो दोस्तों, आज आपको डिटेल में बताऊंगा कि मुद्रा योजना के तहत आप डेयरी लोन कैसे ले सकते हैं, कहां से और कौन से बैंक में आप अप्लाई कर सकते हैं, कितना डेयरी लोन के लिए आपको इसमें अमाउंट मिलेगा, कितना उस पर आपको ब्याज देना होगा, ये सारी जानकारी दोस्तों आज आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप पर या अपने फेसबुक अकाउंट पर, कहीं पर भी आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँच सके। और दोस्तों, अगर चैनल पर आज नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि पशुपालन संबंधी इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक समय समय पर पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय न लेते हुए आपको फटाफट बता देता हूं कि लोन कितना मिलेगा और कैसे मिलेगा, कहां से मिलेगा। दोस्तों, मुद्रा यानी कि माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये लोन आपको कहां से मिलेगा। सभी RRB, कोऑपरेटिव बैंक, कॉमर्शियल बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, MFI और NBFC से दोस्तों यह लोन लिया जा सकता है। बैंक्स की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जैसा कि आप देख सकते हैं मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन देने वाले बैंकों की लिस्ट है। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इसमें सभी प्रकार के बैंक्स इस लिस्ट में शामिल किए गए हैं सरकार द्वारा। इसमें प्राइवेट बैंक्स भी हैं और सरकारी बैंक्स भी हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स भी हैं। तो जो भी बैंक आपके सर्विस एरिया में लगता है वहाँ से आप आसानी से मुद्रा योजना के तहत अप्लाई करके और डेयरी लोन प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। अब इसमें दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि मुद्रा योजना के तहत आपको 3 श्रेणी में लोन मिलता है। इसमें सबसे पहली श्रेणी है शिशु श्रेणी, जिसमें आपको 50,000 रुपये तक का लोन मिल सकता है। ये दोस्तों उनके लिए है जो छोटे उद्योग से अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं। इसके बाद किशोर श्रेणी, इसमें दोस्तों आपको 50,000 रुपये से 5,00,000 रुपये तक का लोन अमाउंट मिल सकता है। और तीसरे नंबर पर तरुण श्रेणी, इस स्लैब में दोस्तों आपको 5,00,000 रुपये से 10,00,000 रुपये तक का लोन अमाउंट मिल सकता है दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों बात करते हैं लोन के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है। तो उसके लिए दोस्तों ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा मुद्रा की वेबसाइट पर जाकर, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। और बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो उसमें आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, एक पासपोर्ट साइज फोटो और एक बैंक से NOC आपको चाहिएगी, जिसमें ये दर्शाया गया हो कि आप डिफॉल्टर नहीं है किसी भी बैंक से। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में अगर डेयरी शुरू करना चाहते हैं तो वहां पर आपको पार्टनरशिप डीड की भी आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा दोस्तों, एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी, जिसमें कि कितना इकोनॉमिक सेल आपका होगा, कितनी गाय भैंस रखेंगे, कितना दूध होगा, कहां पर उसको सेल करेंगे और कितना उससे प्रॉफिट होगा, ये सारी उसमें प्रोजेक्ट में आपको रिपोर्ट देनी पड़ेगी। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, इस पर भी दोस्तों अगर आप कमेंट करके कहेंगे, अगर आप चाहेंगे तो इस पर भी हम एक डिटेल वीडियो बना करके आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें आपको पूरा अच्छी तरह से ये सिखाया जाएगा कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट डेयरी के लिए कैसे बनाई जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं कि डेयरी लोन के लिए आपने अप्लाई कौन सी कैटेगरी में करना है। जैसा कि मैंने बताया, मुद्रा योजना आपको 3 कैटेगरी में लोन देती है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि डेयरी प्रोजेक्ट अपने आप में एक बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, तो मेरे ख्याल से शिशु श्रेणी से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 50,000 रुपये तक का ही अमाउंट मिलता है और 50,000 में तो दोस्तों एक भैंस भी नहीं आएगी। और डेयरी फार्म के लिए आप सभी जानते हैं कि गाय भैंस के अलावा उनके लिए चारा दाना है, शेड है, मशीनरी वगैरह है, इन सभी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। बेसिक से अगर बात करें, मैं मशीनरी में दूध निकालने की मशीन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन चारा काटने वाली मशीन तो चाहिएगी ना। तो इन सभी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दोस्तों आपके पास स्टार्टिंग में कम से कम 2,00,000 से 4,00,000 रुपये का तो अमाउंट होना ही होना चाहिए। तो आपको किशोर श्रेणी से 5,00,000 और तरुण श्रेणी से 10,00,000 रुपये तक का अमाउंट मिल सकता है। लेकिन तरुण श्रेणी में दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ उन्हीं को लोन दिया जाता है जो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं।
नए सिरे से बिजनेस शुरू करने के लिए इस कैटेगरी में लोन नहीं दिया जाता। तो अगर आपके पास दोस्तों पहले से डेयरी फार्म है और आप अपना फार्म बढ़ाकर अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप मुद्रा लोन की जो है तरुण श्रेणी से 10 लाख रुपए तक का लोन लेकर के अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप नए सिरे से अपना डेयरी फार्म शुरू करना चाहते हैं तो वहाँ पर मेरे ख्याल से आपको किशोर श्रेणी से दोस्तों अप्लाई करना चाहिए मुद्रा लोन के लिए। तो दोस्तों ये थी मुद्रा योजना से जुड़ी डेयरी लोन की जानकारी। उम्मीद है जानकारी आपके काम आएगी, जिससे आपको डेयरी फार्म शुरू करने या अपने फार्म को एक्सटेंड करने में आसानी होगी। तो दोस्तों अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जानकारी पहुँच सके। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, अब हमें दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।